Hello everyone, welcome in science class. Students, open your science book. First of all, we read the lesson from our science book, page number 12. Open this page, students. सब स्टूडेंट्स पेज नंबर 12 ओपन करेंगे. प्लीज ओपन दिस पेज. वाटर हेल्प्स इन डाइजेशन एंड रिमूवल ऑफ बॉडी वेस्ट. आवर डाइट मस्ट कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी. हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स की बहुत ज़रूरत होती है. ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. नाउ वी रीड द नेक्स्ट टॉपिक, आवर टीथ. वी रीड अबाउट द टीथ. पुट योर फिंगर्स ऑन योर बुक. वी यूज आवर टीथ For eating food, we also use our teeth while speaking. हम अपने दांतों का किस लिए यूज करते हैं? For eating and speaking. खाने के लिए भी यूज करते हैं और बोलने में भी हमारी हेल्प करते हैं. A smile with a good clean set of teeth always looks nice. अच्छे और साफ सुथरे दांतों के साथ हमेशा नाइस लुक में दिखाई देते हैं दांत. अगर आप स्माइल करते हैं नीट एंड क्लीन दांतों तो वो गुड लुकिंग और नाइस दिखाई देते हैं. ओके, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ. न्यू बॉर्न बेबीज डू नॉट हैव टीथ. एज दे ग्रो अप देयर टीथ कम आउट ग्रेजुअली. न्यू जो बेबीज होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके जो है वो कोई दांत नहीं होते. देखें कभी आपने दांत उनके दांत नहीं होते. एज दे ग्रो अप, जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, देयर टीथ कम आउट ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता उनके दांत, छोटे छोटे टीथ उनके होते हैं. The first set of teeth is called milk teeth. वो उनका first set of teeth होता है और उस set को milk teeth बोलते हैं, यानी दूध के दांत. Milk teeth are temporary. ये आरजी होते हैं, यानी कुछ देर के लिए होते हैं. They fall off one by the age of six. जब बच्चे 6 year की एज में होते हैं तब उनके ये दांत टूट जाते हैं. आप भी इसी एज में आपने देखा होगा कि आपके जो मिल्की टीथ थे वो टूटे होंगे और उनकी जगह पे न्यू टीथ आए होंगे. A second set of teeth grow in their place. उनकी प्लेस में जो ग्रो होते हैं न्यू टीथ उसको क्या बोलते हैं? सेकेंड सेट. दीज आर कॉल्ड परमानेंट टीथ. वो परमानेंट टीथ कहलाते हैं, यानी मुश्किल दांत कहलाते हैं. उसके बाद अगर वो दांत खराब हो तो फिर न्यू दांत नहीं होती. इफ दीज टीथ आर डैमेज, अगर ये दांत खराब हो जाए और ब्रोकन टूट जाए, न्यू टीथ डू नॉट ग्रो इन देयर प्लेस, तो फिर उसकी जगह पे न्यू दांत नहीं आएगा. मिल्की टीथ अगर टूट जाए तो उसकी जगह पे न्यू सेकंड सेट ऑफ टीथ जो है वो ग्रो होता है और उसको परमानेंट टीथ बोलते हैं. सो वी मस्ट टेक प्रॉपर केयर ऑफ अवर टीथ. तो हमें अपने दांतों की हिफाजत करनी चाहिए. टू कीप देम इन गुड कंडीशन, अच्छे तरीके से. टूथ डिके, वी रीड अबाउट द टूथ डिके. दांतों का खराब होना, डिके का मीनिंग होता है खराब होना है. If we do not take care of teeth, they decay. अगर हम अपने दांतों की हिफाजत नहीं करेंगे तो वो खराब हो जाएंगे. Then we are not able to chew solid food properly. तो फिर हम कोई भी सख्त चीज चबाने के काबिल नहीं होंगे, यानी अच्छे तरीके से हम चबा नहीं पाएंगे. It is not easy to digest food that is not chewed. Well, ना ही हम इसको अच्छे तरह से चबा सकेंगे. When ever we eat some food particles get stuck in our teeth or in the gap between the teeth. अगर हमारे दांतों में कुछ जरात गैप्स में, दांतों के गैप्स में रह जाए, the food particles rot. If they remain in our mouth for a long time, over ज्यादा अरसे तक दांतों में रहे, वो खराब हो जाएंगे. That gives us bad breath. तो उससे हमें ताज़ा सांस नहीं मिलेगी. एंड अवर टीथ स्टार्ट डिकिंग, और हमारे दांत जो हैं वो खराब होना शुरू होंगे. डिके तो सॉरी डिके ऑफ टूथ इज कॉल्ड कैरिस. दांतों का खराब होना क्या कहलाता है? कैरिस कहलाता है. डिके टीथ आर पेनफुल, और जो खराब दांत होते हैं उसे
दर्द पैदा होती है। तो आज हम टूथ ऑफ डिके टूथ डिके के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 6 अपनी कॉपी पे राइट करेंगे। प्लीज ओपन योर नोटबुक। व्हाट कॉजेज टूथ डिके? टुडेज अवर लेसन इज क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट कॉजेज टूथ डिके? क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट कॉजेज टूथ डिके। दांतों के खराब होने की क्या वजूहात होती हैं? देखिए दांत कैसे खराब होते हैं, जब हम किसी चीज की केयर नहीं करते हैं तो ही हमारी वो चीज खराब होती है। तो हम इसका आंसर राइट करेंगे, इफ वी डू नॉट टेक केयर आई एफ इफ वी डू नॉट टेक केयर ऑफ टीथ अगर हम अपने दांतों की केयर नहीं करेंगे दे विल बी डिके दे डिके तो वो खराब हो जाएंगे। इफ वी डू नॉट टेक केयर ऑफ आवर टीथ, यहाँ आवर भी राइट करेंगे ऑफ, सॉरी यहाँ आवर राइट करना है। If we do not take care of our teeth, they decay. Now, student, you read this question one by one. एक बार मुझे हो गया तो फिर मैम आई विल रीड द क्वेश्चन नंबर 6। कैन आई रीड क्वेश्चन? वेरी गुड, ओके नाउ प्लीज डू स्टार्ट द रीडिंग। बट इफ वी डू नॉट टेक केयर आवर टीथ आवर टीथ ऑफ आवर टीथ Of our teeth, लिख लिया सारा। What causes tooth decay?
टीचर हो गया ओके निदा शायर प्लीज टर्न ऑन योर माइक एंड रीड द क्वेश्चन नंबर 6 निदा शायर सिक्स वाले का वो क्वेश्चन लिखा If we do not take okay. Now students show me your work. Please show me your work one by one. Teacher, my name is Hurry up, students. Kindly mothers, please follow the rules of the class. किसको बोल नहीं हो रहा? इधर शाहिद, जनत फातिमा, माहिर जमशेद, be fast, hurry up. Please show me your work. Make us see the show. Okay, wait, please. Ayan, Asal, Amna Noor. टीचर जी आपका हरी अब सब स्टूडेंट्स मुझे अपना वर्क शो करवाएं शो मी योर साइंस वर्क बी फास्ट स्टूडेंट वी हैव वेरी शॉर्ट टाइम प्लीज